हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर फूड वर्ल्ड। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी, जो बहुत ही आसान होता है और बहुत झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत लाजवाब होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बैंगन ले लिया है, दो कटे हुए टमाटर, दो कटे हुए प्याज, स्प्रिंग अनियन लिया है मैंने थोड़ा सा, एक कटोरी मटर और हरी मिर्च। इन सब चीज़ों से आज मैं आपको बैंगन का भरता बताना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमने यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं लिया है, इन सब चीज़ों से मैं आज आपको भरता बनाना बता रही हूँ। मसालों में भी मैंने सिंपल चीज़ें ली हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, बस इतने ही मसालों से मैं आज आपको लाजवाब और स्वादिष्ट आपको बैंगन का भरता बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अब जब भी बैंगन को भूने उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। इससे क्या, जब हम इसका छिलका उतारें ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। ये टिप है, आप ज़रूर इसे नोट करके रखिए। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ले लिया है स्टैंड, इसके ऊपर रख कर मैं अच्छे से बैंगन को भून लूँगी। इसे अलट पलट करके हम अच्छे से बैंगन को भूनेंगे। जब तक बैंगन भुन रहा है तब तक मटर को भी बॉईल कर लेते हैं। देखिए, मैंने दूसरी साइड मटर भी ले लिए हैं, उसे भी पानी में डालकर अच्छे से बॉईल कर लूँगी। इससे क्या है, वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इसे ज़्यादा भुनना नहीं पड़ेगा, वो झटपट बन जाएंगे। तो देखिए, इसमें उबाल आ रहा है, तब तक हम बैंगन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, एक साइड बैंगन की अच्छे से भुन चुकी है। अब अलट पलट करके सारे बैंगन को हम अच्छे से भून लेंगे। आप चारों कोनों से बैंगन को अच्छे से भून लीजिए और साथ में हम मटर को भी चेक करते रहेंगे। देखिए, ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, मतलब ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। अब इसे स्ट्रेनर से हम छान लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल लेंगे। देखिए, बैंगन भी अच्छे से भुन चुका है। अब बैंगन को हम एक प्लेट में निकालकर अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। बैंगन का भरता सरसों के तेल में ही स्वादिष्ट लगता है। तो एक चम्मच मैं भरकर जीरा डाल रही हूँ। तेल को पहले मैंने अच्छे से गर्म किया है। अब इसके अंदर कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैं तब तक भूनूंगी जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और गुलाबी कलर में नहीं आ जाते ना, तब तक मैं अच्छे से इसे भून लूंगी। अब इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इससे क्या, बैंगन का भरता और भी चटपटा बन जाएगा और उसे भी इसके साथ अच्छे से भून लूंगी। देखिए, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब कटे हुए टमाटर भी इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर लगभग दो बड़े टमाटर काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं प्याज के साथ टमाटर को भी अच्छे से भून लूंगी। तो ये देखिए, मैंने टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है प्याज में। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। मैं लगभग एक चम्मच भरकर नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब देखिए, ऊपर से मैं इसके अंदर मटर डाल रही हूँ। मटर हमने पहले से बॉईल किए हुए हैं तो ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है। देखिए, अच्छे से इसे अब मिक्स होने देती हूँ। अब इसके अंदर कटी हुई मैं स्प्रिंग अनियन भी डाल रही हूँ, उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। जब तक ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है हम अपने बैंगन को भी छील लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ बैंगन का छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। इसे अच्छे से हम छील लेंगे, छील कर फिर इसे अच्छे से काट लेंगे।
ये देखिए सारे बैंगन का छिलका मैंने उतार लिया है, तो चलिए अभी इसे खोलकर अच्छे से हम काट लेते हैं और इसे अच्छे से चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने चाकू से इसे अच्छे से खोल दिया है। अब इसे मैं इसे हमाम दस्ते में डालकर अच्छे से कूट लूंगी। इससे क्या है बैंगन के भरते का और भी अच्छा स्वाद आ जाता है। देखिए मैं अच्छे से इसे कूट लूंगी। देखिए मैंने बैंगन को अच्छे से बारीक कर लिया है, बस इसे इसी तरह रखना है। तो मसाला का चेक कर लेते हैं हम। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। अभी हम और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब मैं इसके अंदर बैंगन भी डाल दूंगी। देखिए बैंगन मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है। इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके का बैंगन का भरता लेके आई हूँ, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जो बिगिनर है, जो अभी भी बनाना शुरू कर रहे हैं, वो भी इस रेसिपी को आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब ऊपर से एक चम्मच भर कर धनिया पाउडर डाल दूंगी, उसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब ढककर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भरता हमारा तैयार है। इसने घी अच्छे से छोड़ दिया है, अच्छे से पक चुका है। बस इसी तरह हमें इस भरते को बनाना था। तो आप भी घर पर इस तरह भरते को एक बार ट्राई करके देखिए। ऊपर से इसे धनिया से हम गार्निश कर देंगे। आप भी इस तरह इस बैंगन के भरते को बनाकर देखिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो घर पर एक बार बनाकर देखिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कीजिए और मिलते हैं ऐसी ही नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरी इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।